नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में महाराष्ट्र में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको धात सिंड्रोम के बारे में बताया था और आज मैं वही जानकारी कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया, धात सिंड्रोम ये पेशाब के रास्ते से जाने वाला वीर्य या सेमेन है या धातु है, उसको हम धात सिंड्रोम बोलते हैं। होता क्या है, ये स्पेशली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा यानी जिनकी आर्थिक परिस्थिति कम होती है या स्ट्रेस ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, टेंशन बहुत है, उन लोगों में ये खास कर पाया जाता है। पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि धात सिंड्रोम होने से कौन से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पेशेंट में दिखते हैं या वो व्यक्ति में दिखते हैं। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि धात सिंड्रोम से कौन से ऐसे फिजिकल यानी शारीरिक प्रॉब्लम्स दिखते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। होता क्या है, पेशेंट का पूरा शरीर दुखने लगता है, पेशेंट का सर दर्द करता है, बदन दर्द करता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ, मुझे कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में इंटरेस्ट नहीं है, काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, पूरा बदन दर्द करने लगता है, भूख लगती नहीं है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स पेशेंट को दिखने लगते हैं, साथ में बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे डिप्रेशन आना, नींद ना आना, एंग्जाइटी या टेंशन आना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना। पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं शादी के लायक नहीं हूँ। इसके कारण पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि आत्महत्या करना ही मेरे सामने एकमेव उपाय है और वो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण धात सिंड्रोम में हमें दिखते हैं। मित्रों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि धात सिंड्रोम का ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई भी ऐसा पेशेंट देखते हैं तो उसे आप साइकेट्रिस्ट के पास तुरंत लेके जाइए। साइकेट्रिस्ट के पास जो एक्सपर्ट है उसके पास वो टेक्निक्स होती है जिससे पेशेंट को वो एश्योर कर सके, रीअश्योरेंस कर सके कि ये कोई भी बड़ा सिंड्रोम नहीं है। अलग अलग प्रकार की थेरेपीज है जिसमें हम पेशेंट को धात सिंड्रोम से पूरी तरह मुक्तता दिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे एंग्जियोलाइटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, जो दे के पेशेंट का जो टेंशन है वो पूरी तरह हम निकाल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेक्स एजुकेशन। अगर पेशेंट को हम अच्छा एजुकेशन अबाउट सेक्सुअल मिथ्स एंड सेक्सुअल मिसकंसेप्शन हम बताते हैं तो पेशेंट का जो टेंशन है वो पूरी तरह निकल जाएगा और पेशेंट को जो नॉलेज है सेक्स के बारे में वो बताना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही में अलग अलग प्रकार की थेरेपीज, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, अगर हम पेशेंट को बताते हैं और जो पेशेंट के जो निगेटिव कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए हैं अगर वो हम उसे समझाते हैं तो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो ये जानकारी थी धात सिंड्रोम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे के वीडियोज़ लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।